गुड मॉर्निंग क्लास 9 डे 2 चैप्टर नंबर 1 प्रॉब्लम सॉल्विंग टुडेज़ टॉपिक इज प्लानिंग अ सॉल्यूशन। प्लानिंग अ सॉल्यूशन क्या होता है? आफ्टर एनालाइजिंग अ प्रॉब्लम वी फॉर्मुलेट अ प्लान दैट मे लीड अस टूवर्ड्स अ सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम। जब हम अपनी प्रॉब्लम को एनालाइज कर लेते हैं, हम उसका फिर क्या करते हैं, उसको प्लान करते हैं कि ये हमारे सॉल्यूशन की तरफ चला जाए, उसको हम क्या कहते हैं, प्लानिंग अ सॉल्यूशन। दिस फेज इंक्लूड्स फाइंडिंग द राइट स्ट्रेटेजी फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग। इस तरह हमें क्या होता है कि हमें एक सही रास्ता मिल जाता है अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। उसके लिए हम कुछ स्ट्रेटेजीज बनाते हैं, ठीक है। अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए स्ट्रेटेजीज होती हैं। सबसे पहले हमारी स्ट्रेटेजी क्या होती है, डिवाइड एंड कॉन्कर। सबसे पहले क्या है, डिवाइड एंड कॉन्कर। इसकी डेफिनेशन आप लिखिएगा, दिस स्ट्रेटेजी डिवाइड्स अ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम इनटू अ स्मॉल प्रॉब्लम। जब हमारे पास कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है तो उसको हम क्या करते हैं, उसके छोटे छोटे हम पार्ट्स बना देते हैं अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो दिस इज कॉल्ड द डिवाइड एंड कॉन्कर। दिस स्ट्रेटेजी डिवाइड्स अ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम इनटू स्मॉलर प्रॉब्लम। क्लियर क्लास? नेक्स्ट स्टेप इसका स्ट्रेटेजी क्या होगी, गैस चेक एंड इम्प्रूव। जब हम अपने प्रॉब्लम को एनालाइज कर लेते हैं, उसको फॉर्मुलेट करने के लिए हम उसको प्लान आउट करते हैं, तो उसके लिए सेकंड रूल क्या हमारे पास आ जाता है, हम उसके बारे में अपने प्लान को, अपने सॉल्यूशन को गैस करते हैं, फिर उसको चेक करते हैं। इफ़ इट इज़ राइट देन उसको हम इम्प्रूव करवा लेते हैं। क्लियर? इसकी डेफिनेशन लिखिएगा, द डिज़ाइनर गेस अ सॉल्यूशन टू अ प्रॉब्लम एंड देन चेक्स द करेक्टनेस ऑफ अ सॉल्यूशन। क्लियर? इफ द सॉल्यूशन इज नॉट अकॉर्डिंग टू द एक्सपेक्टेशंस देन ही और शी रिफाइंस द सॉल्यूशन। अगर हमारी एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक उसका रिजल्ट नहीं होता तो हम उसको क्या करते हैं, दोबारा रिफाइंस कर सकते हैं। द रिफाइनमेंट इज द इटरेटिव प्रोसेस। क्लियर क्लास? द रिफाइनमेंट इज द इटरेटिव प्रोसेस। Now next step is act it out. In this strategy, the designer defines a list of to-do tasks. इसमें क्या होता है कि जब हम उसको guess कर लेते हैं, उसको check कर लेते हैं और अपने काम को improve कर लेते हैं, तब हम उसके क्या करते हैं, इसको हम implements करते हैं इसके ऊपर, ठीक है। हम अपने task को perform करते हैं। This is called the act it out. Write down this definition. In this strategy, the designer defines the list of to-do tasks. After he or she performs the task, इसके बाद क्या कर सकता है, वो अपने प्रॉब्लम के ऊपर अपने टास्क को परफॉर्म कर सकता है। प्रोटोटाइप। नेक्स्ट स्टेप इज प्रोटोटाइप, यानी ड्रॉ करना। इसकी डेफिनेशन राइट डाउन कीजिएगा, दिस टेक्निक ड्रॉ अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सॉल्यूशन। इट इज़ नॉट द फाइनल सॉल्यूशन, हाउएवर इट मे हेल्प अ डिज़ाइनर टू अंडरस्टैंड द इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ द सॉल्यूशन। क्लियर? ये हमारे पास फाइनल सॉल्यूशन नहीं होता, लेकिन इट हेल्प्स अस टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम। क्लियर? नाउ नेक्स्ट स्टेप इज डिफाइनिंग द कैंडिडेट सॉल्यूशन। क्लियर? नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारे पास, नेक्स्ट टॉपिक क्या है, डिफाइनिंग द कैंडिडेट सॉल्यूशन। कैंडिडेट सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होता है जिसमें आप किसी बात के बारे में अप्रॉक्सीमेटली गैस कर लेते हैं या सपोज को कर लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम ऐसा करें कि अपने स्कूल में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को फाइंड आउट करें कि कितने बच्चे जो हैं वो क्रिकेट प्ले कर सकते हैं, ठीक है। हम क्या करते हैं कि उसके लिए हम अपनी क्लास के स्टूडेंट्स को फाइंड आउट कर लेते हैं कि मैक्सिमम आपकी 20 ही क्लास है और उसमें से 7 स्टूडेंट्स हैं वो खेल सकते हैं, क्रिकेट खेल सकते हैं। तो हम उसको क्या करते हैं कि टोटल नंबर ऑफ स्कूल के स्टूडेंट्स जो हैं उनको उसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हमारे पास एक अप्रॉक्सीमेटली सॉल्यूशन आ जाएगा। तो दिस सॉल्यूशन इज़ कॉल्ड द कैंडिडेट सॉल्यूशन। ये एग्जैक्ट नहीं होता, ये फाइनल नहीं होता। एग्जैक्ट के लिए तो आपको हर क्लास में जाना पड़ेगा, वहाँ से बच्चों को प्ले आउट करवाना पड़ेगा, तब आप उसको गैस करेंगे, देन यू कैन फाइंड आउट द फाइनल सॉल्यूशन। तो कैंडिडेट सॉल्यूशन क्या होता है कि जब आप किसी बारे में अप्रॉक्सीमेटली को गैस कर लें और उसको आप उसके साथ मल्टीप्लाई कर दें, तो देन यू कैन फाइंड द सॉल्यूशन। नॉट एग्जैक्ट, बट यू कैन सॉल्व इट
अप्रॉक्सीमेटली योर प्रॉब्लम. क्लियर? इसकी डेफिनेशन मैं लिखवाती हूँ, आप लिखिएगा. द वर्ड कैंडिड रेफर्स टू समथिंग स्पॉन्टेनियस एंड अनप्लान्ड. फॉर एग्जाम्पल, इसकी एग्जाम्पल भी आप लिख सकते हैं. इफ़ यू आर आस्क्ड टू फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन योर स्कूल, यू कैन प्ले क्रिकेट. यू कैन एस्टिमेट बाई फाइंडिंग क्रिकेट प्लेयर्स इन योर क्लास, देन मल्टीप्लाइंग इट बाय द टोटल नंबर ऑफ द क्लास ऑफ क्लासेज इन योर स्कूल. योर आंसर इन दिस वे इज द कैंडिड सोल्यूशन. क्लियर? अ कैंडिड सोल्यूशन कैन हेल्प टू सेव द टाइम. इस तरह हमें क्या मिल जाता है, हम जब अप्रॉक्सीमेटली काम कर लेते हैं तो हमें इससे टाइम सेव हो जाता है हमारा. इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट द कैंडिड सोल्यूशन एज द एक्चुअल सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम. क्लियर क्लास? टुडेज टॉपिक इज फिनिश्ड. गुड बाय. टेक केयर ऑफ योर सेल्फ. थैंक यू.